हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज के लेक्चर में हम एलजेब्रा का चैप्टर टू प्रैक्टिस सेट 2.1 देखेंगे हम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे प्रीवियस लेक्चर में। अब हम देखेंगे, आज के लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देर का राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर ईच इक्वेशन। ठीक है, देखो स्टूडेंट करते हैं इसको। पहला दे रखा है हमारे पास 2i 10 माइनस y का स्क्वायर, तो सबको उधर लेके जाओ। ठीक है, सबको उधर, क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है तो उधर ले, राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका y का स्क्वायर, इसको उधर ले, ये क्या होगा 2i माइनस 10 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतनी बस। कैसे देखो, इसको उधर लेके जाओ, प्लस ये 2i था ही और ये -10। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्या है, ए वाई का स्क्वायर बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको इससे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू लिख लो स्टूडेंट, ए क्या होगा इससे रिलेट करो। ठीक है, या कंपेयरिंग कर देंगे। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, कंपेयरिंग विद दिस वन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई कंपेयरिंग विथ। देखो अब क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ए वाई का स्क्वायर बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कंपेयर ए की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 1। ए इक्वल टू कितना होगा 1, बी इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, सी इक्वल टू कितना होगा c -10। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना, पहले हमें इस फॉर्मेट में बनाना है, फिर इस फॉर्मेट में बनाने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू हमें बतानी है। इतनी बात समझ आ रही है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है इसके लिए। देखो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हमें किस फॉर्म में लाना होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो देखो यहां पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही होगा आइडेंटिटी एक्सप्लेन करेंगे तो। एक इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या देगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a क्या था हमारे पास x, x का स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो 2ab क्या था 2, a कितना था x था, b कितना था -1, तो 2x आ जाएगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, फिर इक्वल टू क्या हो गया 2x प्लस 3। अब क्या कैल्कुलेट करेंगे, सबको उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको -2x -3 इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर -2x -2x -4x और ये कितना होगा -3 प्लस 2 -2 इक्वल टू जीरो। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, एक्स स्क्वायर -4x -2। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, अब इसको कंपेयरिंग करके ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। तो देखो हमारे पास, तो अब इसको कंपेयर कर, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कंपेयर कर, ए इक्वल टू कितना, देखो ए यहां पर कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के साथ जो भी होगा वो b का काम करेगा, तो x के साथ क्या है -4 है, -4 हो जाएगा। ठीक है, c कंपेयरिंग विद c क्या हो जाएगा -2। ठीक है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो a होता है, x के साथ जो भी होता है उसको -4 हो, मतलब वो हमारा b का काम करता है, और जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो हमारा c होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं जिसको नोट करना है, तो ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो जिससे ये इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, -3 देगा
और इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है सबको उधर लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर और देखो फाइव एक्स माइनस एक्स कितना देगा स्टूडेंट फोर एक्स देगा, फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट ये आ गया ठीक है। अब कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इक्वल टू कितना होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा वो ए का काम करेगा वन, बी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट फोर, सी की वैल्यू कितनी होगी थ्री, ठीक है एबीसी की वैल्यू आ गई हमारी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट क्लियर है ठीक है, जो नोट करना चाहता है नोट कर सकता है। देखो आगे नेक्स्ट इसको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है। अब यहां पर देखो स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास दे रखा है देखो थ्री एम का स्क्वायर इक्वल टू टू एम का स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू, ठीक है ये दे रखा सबको उधर लेके जाओ, तो थ्री एम का स्क्वायर माइनस टू एम का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। देखो इसको इधर लेके जाए तो माइनस टू एम का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस था तो प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया थ्री एम का स्क्वायर माइनस टू एम का स्क्वायर कितना देगा एम का स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो इसको इसको हमें इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, तो देखो कैसे बनाएंगे एम का स्क्वायर प्लस जीरो एम प्लस नाइन, ठीक है इक्वल टू जीरो, मतलब एम का टर्म नहीं है तो मतलब एम की हाईएस्ट पावर टू है बट एम की पावर वन एम की पावर वन नहीं है, मतलब वेरिएबल की जो लीनियर पावर है वो थी नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया जीरो इंटू एम, तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा जीरो ही होगा, इसलिए हमें क्योंकि हमें इसको इससे कंपेयर करना है तो इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट क्लियर है, यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं ठीक है, तो कोई एक करना पड़ेगा या ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट एम का स्क्वायर माइनस जीरो एम प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के सामने चाहे प्लस लिखे चाहे माइनस लिखे जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस जीरो माइनस जीरो फाइनली हमें क्या देता है जीरो, क्योंकि जीरो एक न्यूट्रल नेचुरल मतलब न्यूट्रल इंटीजर्स है ठीक है आई बस समझ लें। तो अब यहां पर देखो अगर मान लो इसको कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ, चाहे इसको कंपेयर करो चाहे इसको कंपेयर करो दोनों में से कोई एक कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग विथ किसे कंपेयर करें ए एम का स्क्वायर बी एम प्लस सी, तो यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है एम है ठीक है, आप कंपेयर कर लो एम स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा एम स्क्वायर एम का मतलब क्या एक्स स्क्वायर ठीक है, आप परेशान ना हो एम यहां पर एक्स की तरह काम कर रहा है या वाई की तरह काम कर रहा है, मतलब यहां पर वेरिएबल है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट ए इक्वल टू कितना होगा वन, बी इक्वल टू कितना होगा जीरो ठीक है एंड सी इक्वल टू कितना होगा नाइन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, देखो ए की वैल्यू कितनी होगी वन, बी की वैल्यू कितनी होगी जीरो, सी की वैल्यू कितनी होगी नाइन, अब यहां पर देखो ए की वैल्यू कितनी होगी वन, बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस जीरो, माइनस जीरो का भी मतलब होता है जीरो ही होता है ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी होगी नाइन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटा जिसको नोट करना नोट कर सकता है स्टूडेंट। अब यहां पर देखो नेक्स्ट देखो इसको इससे मल्टीप्लाई देखो इसको सॉल्व इसको इससे मल्टीप्लाई करो थ्री पी आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सिक्स पी का स्क्वायर, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो थ्री पी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई सिक्स पी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइव ठीक है। अब इसको उधर लेके जाओ तो थ्री पी प्लस सिक्स पी का स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तब देखो इसको अरेंज कर लेते हैं सिक्स पी का स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट ठीक है इसको हमने अरेंज कर लिया, यहां पर वेरिएबल क्या है p है मतलब x की जगह पर क्या है p है, तो अब इसको कंपेयर कर लेंगे कंपेयरिंग विथ क्योंकि हमें a b c की वैल्यू बतानी है, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो x की जगह पर क्या है p है, तो x पी स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो a का काम करेगा, तो मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्स, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव,
इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ए 6 हो गया, बी कितना हो गया 3 हो गया, सी कितना हो गया 5 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत आसान, कुछ है नहीं इसमें, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट बचा हुआ है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखो, जैसे ये दे रखा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13, उसको दे लेगा माइनस 13 इक्वल टू 0, तो ये क्या देगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, और ये देगा माइनस कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है 22, तो अब देखो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, यहां पर एक्स वाला टर्म नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 20 इक्वल 22 इक्वल टू 0, या और ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 0x माइनस 22 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं जीरो भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं, दोनों सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू 0 माइनस 0, 0 लिखो या माइनस 0 लिखो 0 ही होता है 0, सी इक्वल टू कितना होगा, सी यहां पर देखो, यहां पर देखो कौन सी कितना होगा माइनस 22। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? अब यहां पर देखो, ठीक है इतना तो हो गया, हमने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया, सीख लिया, और ए बी सी की वैल्यू भी हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, और सी की वैल्यू क्या हो सकती है, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब कोफिशियंट की बात करेंगे, कोफिशियंट क्या होता है स्टूडेंट, कोफिशियंट, ठीक है, कोफिशियंट, कोफिशियंट का मतलब जो भी वेरिएबल होता है, जैसे कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, जैसे मतलब कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर, यहां पर देखो कोफिशियंट, अगर मान लो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसको उधर लेके जाओ वाई का स्क्वायर 2i और इसको इधर माइनस 10 इक्वल टू 0, यही आया था, तो कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर कितना है यहां पर, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको कोफिशियंट बताना है, तो कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर क्या है, y का स्क्वायर मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है। ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ y का स्क्वायर क्या है 1 है, कोफिशियंट ऑफ y कितना है, मतलब y का वेरिएबल है, तो वेरिएबल जो रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म होता है वो कोफिशियंट का काम करता है, तो y का कोफिशियंट क्या है 2 है। इतनी बात समझ में, y का कोफिशियंट क्या है 2 है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब जैसे ये हमने यही बताया इक्वेशन, इसमें देखो कॉफिशियंट ऑफ x का स्क्वायर क्या है, जैसे इसमें हम बात करेंगे कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, तो कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है 1 है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इसका 1 है, 1 है, इतनी बात समझ में आ रही है। कॉफिशियंट ऑफ x क्या होगा 0 होगा। ठीक है, मतलब x की कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देते हैं, तो देखो स्टूडेंट आई थिंक सब बच्चे समझ आ गया होंगे कि कोफिशियंट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो यही हमने सॉल्व किया अभी, देखो जैसे ये इसको सॉल्व करने पर क्या आया था, देखो 3m का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 9, यही आया था। ठीक है, क्योंकि सबको हम उधर लेके गए 3m का स्क्वायर माइनस 2m, तो ये m स्क्वायर प्लस 9। अब कोफिशियंट ऑफ m स्क्वायर क्या है, कोफिशियंट ऑफ m का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट 1 है। ठीक है, आई बस समझ में, क्लियर है? तो आई थिंक आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो कोफिशियंट कैसे फाइंड आउट करना है, क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, तो देखो बच्चों ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये बताना डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब अगर हम एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 अगर इसमें पुट करें, तो इस इक्वेशन की वैल्यू अगर पूरी फाइनल 0 मिल जाती है, तो हम कह सकते हैं ये रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब x इक्वल टू क्या है
व्हाट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो देखो पुट करके देखते हैं, पुट देखो पहला केस एट एक्स इक्वल टू वन पर देखो, अब क्या करेंगे पुट x इक्वल टू वन इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर फोर एक्स माइनस फाइव। देखो इसमें पुट करते हैं तो देखो x के जगह क्या पुट करेंगे वन, तो देखो वन का स्क्वायर प्लस फोर वन माइनस फाइव, तो ये क्या मिल गया देखो वन प्लस फोर माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव मतलब जीरो आ गया, मतलब इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट जीरो आ गई। तो मतलब जीरो आने के बाद इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू वन जो है इसका रूट्स है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू वन इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। इतनी बात समझ में आ रही है फ्रेंड, x इक्वल टू वन इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस, मतलब रिमाइंडर जीरो आना, तो जीरो वैल्यू आ गई तो मतलब ये इसका रूट सर। अब देखो दूसरी वैल्यू देखो एट x इक्वल टू वन पर देखो एट x इक्वल टू माइनस वन पुट कर रहे देखो, अब क्या करेंगे पुट x इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। इतनी बात समझ में आ रही है, तो इसमें पुट करके देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन माइनस फाइव, ठीक है। तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे कितना है वन आएगा, माइनस फोर हो जाएगा माइनस फाइव, तो कितना है वन माइनस नाइन, मतलब ये कितना आ रहा यह आपका आ गया माइनस एट। तो मतलब ये जो आ रहा है नॉट इक्वल टू माइनस एट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है देयरफॉर x इक्वल टू माइनस वन इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं जब x की वैल्यू किसी वैल्यू पुट करने पर पूरा फाइनल जीरो आ जाए तो मतलब वो रूट होगा, अगर रूट नहीं आ रहा मतलब इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा इसका मतलब वो रूट नहीं होगा। x देखो इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा था देयरफॉर द x इक्वल टू माइनस वन इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब देखो सेकंड वाला भी करके देखते हैं स्टूडेंट, सेम इसी प्रोसीजर से करना है, जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है सॉल्व कर सकता है। तो देखो उसको भी हम कर देते हैं स्टूडेंट, इसको भी डाल देते हैं। अब देखो m इक्वल टू टू पुट करके देखते हैं, देखो क्या हमें दे रखा है टू एम का स्क्वायर माइनस फाइव एम इक्वल टू जीरो। तो एक काम करेंगे पहले एट m इक्वल टू टू पर देखो, अब क्या करेंगे पुट m इक्वल टू टू इन इक्वेशन टू एम का स्क्वायर माइनस फाइव एम, तो इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट, देखो पुट करते हैं तो m की जगह पर 2 पुट करो, तो 2 m कितना है मेरे पास क्या पुट करना 2 पुट करना 2 का स्क्वायर माइनस फाइव और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो यह आ जाएगा तो मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना है मतलब 4 हो जाएगा माइनस ये कितना 10 हो जाएगा, तो 8 माइनस 10 कितना है माइनस 2 आ रहा है। मतलब यहां पर देखो माइनस 2 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक m इक्वल टू टू इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन 2m का स्क्वायर माइनस 5m। इतनी बात समझ में m इक्वल टू टू इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन 2m का स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू जीरो, क्लियर है स्टूडेंट। आई बात समझ में, ऐसी पेपर में भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो एट m इक्वल टू किस पर चेक करेंगे m एट x इक्वल टू m है सॉरी x नहीं है m है m इक्वल टू 5/2, ठीक है 5/2 पर चेक कर लेंगे। अब क्या करेंगे पुट m इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है 2m का स्क्वायर माइनस 5m, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, तो 2 m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5/2
माइनस 5 और ये 5 बाई टू, ठीक है, 5 बाई टू का स्क्वायर है स्टूडेंट, ठीक है, यही है 5 बाई टू का स्क्वायर, 5 देखो m की जगह पर क्या पुट करेंगे, 5 बाई टू, 5 बाई टू, जहां जहां m था यहां पे भी 5 बाई टू और यहां पे भी 5 बाई टू, देखो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 ये कितना 25 और ये 4 हो जाएगा, माइनस 25 इंटू 5 इंटू 25 बाई 2 हो जाएगा, अब देखो यहां पर 2 टाइम 25 बाई 2 एंड 25 बाई 2, तो ये तो ऐसे ही जीरो हो गया स्टूडेंट, तो 2 25 माइनस 25 जीरो डिवाइड बाई 2 मतलब जीरो, तो मतलब फाइनली हम कह सकते हैं इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो आ रहा है इसमें, तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहां पर लास्ट में लिख लो देयरफॉर m इक्वल टू m इक्वल टू 5 बाई टू, ठीक है, इज और रूट ऑफ इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, 2m का स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू जीरो, तो क्या है m इक्वल टू 5 बाई टू इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू जीरो, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो देखो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, जिससे आप परफेक्ट हो पाएंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो देखो बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रखा है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ये रखा डिटरमाइन वेदर द फॉल्स वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं, अभी मैंने जो क्वेश्चन किया उसी तरह इसको भी करना है, ये हमें दे रखा इक्वेशन, ये हमें पुट करके देखना है ये इसके रूट्स आ रहे हैं या नहीं है, मतलब रूट्स का मतलब अगर मान लो ये वाली वैल्यू पुट करे ये पूरा जीरो दे दे इसका मतलब ये रूट्स है, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करे इसमें अगर पूरी वैल्यू जीरो सॉल्व करके आ जाए इसका मतलब ये रूट्स है, अभी जैसे किया था वैसे इसको वेरीफाई करना है, तो थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट लेवल भी दे दिया है, तो आप सेम वही प्रोसीजर है स्टूडेंट वैसे ही करना आपको, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपको, ठीक है, अब यहां देखो राइट ईच, अब देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एंड ये इस फॉर्मूले एंड ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी की वैल्यू बतानी जैसे अभी हमने किया था, ठीक है, मतलब ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है इस वाले इक्वेशन को पहले तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर कन्वर्ट करने के बाद फिर उसके बाद क्या करना ए बी एन सी की वैल्यू जो पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे इसको करना है, ठीक है, इस वाले को भी हमें क्या करना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एंड राइट द वैल्यू देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एन सी, ठीक है, सेम सबको वही करना है, इसको भी हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके एबीसी की वैल्यू हमें बतानी है, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा, तो ठीक है स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू।